यहाँ पे ना, ओके, दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन, दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ द इंडिया एंड दिस रीजन अपीयर्स एज द इनवर्टेड ट्राइंगल, नीचे वाला जो शेप है ना हमारे इंडिया का ट्राइंगल जैसा शेप है, एंड इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 600 टू 900 मीटर्स फ्रॉम द 600 टू 900 एरिया, हाइट्स कैसे नापते हैं? फ्रॉम सी सरफेस, सी लेवल से, कैसे नापते हैं? सी लेवल से, इतना डाउन होता है सी लेवल, इसीलिए सी लेवल, सी का जो वाटर होता है ना वो लैंड सरफेस पे नहीं आ जाता, हमें आया, सी लेवल इतना डाउन होता है इसीलिए वो पेंसिल प्लेट्यू पे नहीं आ जाता। दिस रीजन अपीयर्स टू बी, सॉरी, इन इट्स नॉर्थन पार्ट स्लोप्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट विच इज एविडेंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ चंबल, दैट इज द नेम ऑफ रिवर, सन एंड दामोदर रिवर्स, ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, सारे रिवर्स जा रहे हैं। सी लेवल से मतलब कि अप वाले सरफेस से, सी, हाँ सी, हाँ अप से, उनका कुछ रेफरेंस रहेगा क्योंकि प्रोबेबली कौन से रिवर्स का नाम दिया था हमने, चंबल ये दिखाया गया है इसमें, गोदावरी, ओके, चलो ध्यान दो, द साउथर्न पार्ट स्लोप्स टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट, साउथर्न पार्ट जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्लोप लेता है, मोस्ट ऑफ द एरियाज इन द साउथ, हेंस इट इज कॉल्ड एज साउथर्न प्लेटू, एज इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन इट्स थ्री साइड इट इज कॉल्ड एज पेंसुलर प्लेट्यू, उसको हम कौन सा नाम देते हैं, पेंसुलर प्लेट्यू, पेंसुलर प्लेट्यू कैन बी डिवाइड इनटू थ्री टू पार्ट्स, मलवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू, मलवा प्लेट्यू दैट मीन्स अरवली रेंज इज सिचुएटेड टू नॉर्थन वेस्ट पार्ट, विच पार्ट, नॉर्थन वेस्ट ऑफ द मलवा प्लेट्यू, अरवली इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, माउंटेन का रेंज है और विच इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज, देखो हियर इट इज, देखा, और दिस वन इज द चंबल, यहाँ पे देखो हम पहले फाइंड कर रहे थे पर मिला नहीं है ना, चंबल रिवर्स है ना, ओके, और दिस वन इज द अरवली रेंज, ओके, सो विच वन इज द ओल्डेस्ट रेंज, रेंजेस इन द वर्ल्ड, इट इज द फोल्डेड माउंटेन, इसमें फोल्डेड माउंटेन है, माउंट आबू इज द फेमस हिल स्टेशन ऑफ दिस रेंज, विच इज जस्ट एट द बॉर्डर ऑफ गुजरात, है ना, तो अरवली दैट इज द अवर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, अभी नया डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना उसमें अरवली डिस्ट्रिक्ट को नाम दिया गया है, मोड़ासा वाला जो रीजन है उसको, तो यहाँ से दिया गया इस नेम से, ओल्डेस्ट रेंज इस वर्ल्ड का, इट इज द वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेसेंट, प्लेसेंट गए हो गया, मैंने गया, गुरु शिखर इज द इट्स हाइएस्ट पिक एंड इट इज अ 1722 मीटर्स हाई, इतने हाइट पे है 1722, द साउथ ऑफ दिस रीजन रिवर्स चंबल एंड बेटवा एमर्जिंग फ्रॉम विंध्याचल एंड फ्लो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ की ओर जाएंगे एंड मीट द रिवर यमुना while the river runs flow northward direction and meets the river Ganga, you can see from this one, देखो ये चंबल रिवर्स को यमुना को मिल गया और सन, here it is sun which is meet the Ganga, okay, now it can be known that from the direction of the river flow of this region slopes northward, तो बीच में है नॉर्थ वाले रिवर्स नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और साउथ वाले साउथ में करेंगे नीचे की ओर, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ दिस सेंट्रल अपलोड सॉरी अपलैंड इज नोन एज बुंदेलखंड, सो कौन से नाम से पहचाना जाता है, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच का जो पार्ट है उसको बुंदेलखंड बोलते हैं, बिसाइड दिस रिवर लूनी बनास ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच रेंज,
Harwali Range in a northeast region, and these rivers one vanish in the run of Kutch. कहाँ पे खो खत्म हो जाते हैं? Run of Kutch. While Sabarmati and Mahi rivers meet the Gulf of Amba. आप उस ग्राफ को देखते रहे तो जल्दी से समझ में आ गया. उसमें साबरमती और मही नदी देखना, मही रिवर्स देखना. वो कहाँ पे जाते रहेंगे? गल्फ ऑफ खंबा. देखो दिस वन मही एंड दिस साबरमती कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ओके, और इसका नाम नहीं दिया. ये कौन सा था? कच्छ ऑफ रन में जो खत्म हो रहा था वो बनास एंड लूनी. ओके चलो, जो गल्फ ऑफ सॉरी जो कच्छ ऑफ रन ऑफ कच्छ में क्या हो रहे थे? वेनिस हो रहे थे. नाउ फ्रॉम द फ्लो ऑफ दिस रिवर इट कैन बी एस्टिमेटेड दैट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मलवा प्लेट्यू स्लोप्स टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट. जो मलवा प्लेट्यू अपर साइड का उसका जो वेस्टर्न पार्ट है गुजरात के साइड का वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? स्लोप. सारे रिवर सब गल्फ ऑफ खंबात की ओर जा रहे हैं. समझ में आया? राजमहल हिल्स नाम सुना होगा एंड शिलोंग प्लेट्यू आर द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू विच इज ऑल्सो इंक्लूड्स रांची प्लेट्यू. वो वेस्टर्न सॉरी ईस्ट साइड के है. कौन से साइड के प्लेट से? ये जो शिलोंग है ना दैट इज द प्लेस ऑफ द मेघालय. मेघालय का है जो ईस्ट साइड पे अरुणाचल प्रदेश असम वगैरह है ना वहाँ पे. Now Deccan Plateau. The Deccan Plateau is situated in the south of Satpura, Mahadev and Maikal Range, which are located in the south of the Malwa Plateau. The northern western, northwestern parts of this plateau are composed of lava deposit. वो किसमें से बना है? जो वहाँ पे lava deposit हुआ था उसमें से. On the western side, it is the border of demarcated by the Western Ghats. कौन से घाट से? वेस्टर्न. एंड विच रन्स नॉर्थ साउथ अलोंग द अरेबियन सी कोस्ट. अब तक वेस्टर्न गार्ड्स दिखने मिलेगा ना इसमें? दिस वन देखो यहाँ पे कौन सा सी है? अरेबियन सी कोस्ट लाइन है, वहां पे वो दिखने मिलता है. फिर फिगर के साथ मैच करके जाना तो जल्दी से समझ में आएगा. ओके अब ध्यान दो आगे. द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेट्यू आर कम्पोज ऑफ द लावा. वो हो गया. ओके इट हैज सर्वल लोकल नेम्स. इट इज नोन एज सह्याद्री. महाराष्ट्र में से जब निकलता है देखो काफी सारे पूरे के पूरे लाइन पे है वो वेस्टर्न घाट्स गुजरात के एंड पॉइंट से लेके लास्ट तक. देन वो लाइन्स देखना मैप में काफी सारे स्टेट्स में से पास हो रहा है तो महाराष्ट्र में उस नाम उसको कौन सा नाम दिया गया है? सह्याद्री. एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में उसको सह्याद्री नाम से पहचानते हैं. नीलगिरी इन तमिलनाडु. लास्ट में जब तमिलनाडु में जाता है तो उसको कौन सा नाम दिया जाता है? नीलगिरी. एंड एस अन्नामलाई एंड कार्डमून रेंज आर अलोंग द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. वहां पे उनको अन्नामलाई और कार्डमून ऐसा नाम दिया गया है. द साउथर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज मोर लॉफ्टी. लॉफ्टी मतलब हाइट ज्यादा होगा. Generally, the average height of Deccan Plateau is ranges between 900 to 1000 meters, but if few places it exceeds that height, kabhi-kabhi 1000 se bhi jyada hai. Few isolated hills having more than 900 meters of height from the eastern boundary of this plateau, this is called as Eastern Ghats. Usko kya naam dete hain? Eastern Ghats. And it has the general slope towards the southeast side, which evidence from the direction of flow of the rivers. Except rivers Narmada, Tapi which flow westwards. Most of the rivers of Deccan Plateau flow eastwards and meet the Bay of East direction में जाएंगे और Bay of Bengal को
क्या करेंगे, मिलेंगे, एक्सेप्ट तापी, तापी उल्टी डायरेक्शन में जाता है, सॉरी एक्सेप्ट नर्मदा, रिवर नर्मदा एंड तापी दोनों को छोड़ के बाकी के सारे कहां जा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल। कोस्टल प्लेन्स, प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट, जो सी के अराउंड जो कोस्टल लैंड एरिया है ना उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, ध्यान देना। पेंसिलर प्लेटू इज सराउंडेड बाय द नैरो बेल्ट ऑफ द प्लेन्स ऑफ कच्छ टू ओडिशा एंड इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्ट कोस्ट प्लेन इज स्प्रेड फ्रॉम गुजरात टू केरला, वेस्ट साइड वाला गुजरात से लेके कहां तक, केरला तक। नाउ एक्सेप्ट इन अ गुजरात द प्लेन इज मोस्टली नैरो, गुजरात में बड़ा है, रीजन देखो आप इंडिया का मैप देखो, गुजरात के साइड पे वीकनेस ज्यादा है और जैसे डाउन जाते हो विड्थ क्या होते जाता है, कम, इट्स बिकम नैरो एंड इट इज वेरी मच अनडल्टिंग एंड नोन एज मलबार कोस्ट इन द साउथ ऑफ गोवा। गोवा महाराष्ट्र के अंदर गोवा आता है, पता है ना, महाराष्ट्र का एक रीजन गोवा, उसके बाद उसको क्या नाम दिया जाता है, मलबार कोस्ट। कौन सा नाम दिया जाता है, मलबार कोस्ट। वेस्टर्न वेस्ट कोस्ट रिवर हैव डेवलप्ड क्रीक्स एट देयर एस्टुअरीज, मोस्ट ऑफ दिस क्रीक्स आर सबमर्ज्ड वैलीज अंडर द रिवर बॉड। क्रीक्स मतलब कि जहां से वैली दो दो पार्ट्स में बट जाना, तो उसको हम वैलीज बोलते हैं, वैली के साथ मर्ज हो जाते हैं and these are formed due to the emergence of shusha, okay, it provides favorable condition for fishery, aur isliye fish activity ke liye, fishery that means ki jo fish ko pakadte hain, okay, वैसे business ke liye या फिर वैसे fish production ke liye kafi importance hai and there are, aur isliye maharashtrian people hai na, goa ke jo people hai na zyada tar fish pe depend rehte hain, dekha hoga aapne, okay, this can be used in many ways, khane ke liye to use karte as a meal but aur bhi kafi uske uses hote hain, medicines wagera wagera wagera, so these are formed due to the emergence of the seashore, it provides favorable condition for fishery and there are many natural ports of the natural ports on the western coast which include Mumbai and Marmara, so that is deltas of Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanandi, ये चारों rivers के बीच में जो portion आता है, जो region आता है, उसको कौन सा region नाम बोला जाता है, deltas। In the northern coast, that is known as northern, Sarkar coast, and in Tamil Nadu coast, it is known as Coromandel coast. Fifth part is archipelagos. There are a few archipelagos in India, like Andaman, Nicobar and Lakshadweep are major archipelagos among them. There are many smaller islands in a Lakshadweep and these are located at the some distance of the Kerala coast. And this island have a horseshoe shape and such coral island is called as atolls. So, kaun se naam se pehchante hain? Atolls. Dekho. This one is Lakshadweep. This one is Andaman Nicobar, pura sea ke andar, dekha, now Andaman Nicobar island is situated, are situated in a bay of Bengal, this side, right hand side abhi jo maine bataya, and here the number of island is also more and there three are situated very far from the Indian coast and there are a few mountains ranges also there, some of which are formed due to the volcanic activity. These islands are spread over 350 km and have a strategic importance. 350 km tak lambe hai, dekhna right hand side map mein dekho kitna lamba aapko dikhaya gaya. Then now the only active volcano
in India is barren. Island in a Andaman Nicobar archipelagus. Narcondam, which is very near to the prominent volcano. Okay, अपने इंडिया में सिर्फ एक ही volcano लाइव है, which is known as barren, which is present in the island of Andaman Nicobar. This is thus there is a diversity in the physical features of India. वहाँ पे एक ही volcano present है, पूरे इंडिया में कहीं भी volcano नहीं है वहाँ पे, इसलिए उसका physical diversity भी अलग है. Every region has its own distinct characteristics and at all regions are interconnected. All them have important contribution in the progress of the nation. सारे के सारे regions अभी हमने पूरे parts में पढ़ा, हिमालय, फिर प्लेट प्यू, ऐसे करके ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न प्लेट्स, वेस्टर्न प्लेट्स, सब अलग अलग पढ़ा, बट सब एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड. तब जाके पूरा नेशंस बनता है. तो सबका नेशंस के डेवलपमेंट, नेशन के डेवलपमेंट में सबका हाथ है. एंड आर यूजफुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. नॉर्थन फर्टिलाइज फर्टाइल पेंस प्लेन आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर हाउस. उसको कौन सा नाम देते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द ग्रेन, क्योंकि वो फर्टाइल प्लेन है नॉर्थ वाला, नॉर्थन, और वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है फर्टिलाइजर्स, फार्मिंग एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, और इसलिए उसको हम बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन. Southern Plateau is a rich in many mineral resources, which has enhanced the national progress and made river with a large volume of water originated in the northern mountains region and which is also known for a variety of forest resources. Now, हमारे land structures में rock भी है. So, a composite matter made of the one or more minerals. एक ऐसा composite matter, composite मतलब काफी चीजों में से बना हुआ, जैसे कि वन और मोर मिनरल्स, दैट इज कॉल्ड एज रॉक. नाउ रॉक कैन बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट. कुछ रॉक क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं और कुछ सॉफ्ट भी होते हैं. दे कैन बी पोरस एंड सोडियम पोटेशियम, अगर ऐसे मेटल्स है उस रॉक में सॉफ्ट है, वो है तो मेटल बट होते हैं काफी सॉफ्ट, उसको चाकू से भी काट सकते हैं. देन चलो, दे कैन बी पोरस और नॉन पोरस. कभी कभी वो पोरस मतलब पता है ना, स्पंज जैसा स्ट्रक्चर, स्पंज तो देखा है ना, गादी. ओके, और नॉन पोरस दैट मीन्स हार्ड. तो पोरस भी होते हैं, नॉन पोरस भी होते हैं. एंड कैन बी लाइट और हैवी. कभी लाइट भी होते हैं मास में और कभी उनका वेट हैवी भी होता है. वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्मड ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस. रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, दैट इज इग्नियस रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब देखो इसमें कितने आते हैं, इंस्ट्रक्टिव, एक्सट्रक्टिव. एक्सट्रक्टिव में वॉल्केनिक और इंस्ट्रक्टिव में प्लूटोनिक एंड हाइपरबाइसल. फिर इनऑर्गेनिक, केमिकली फॉर्म ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में अरेनियस, फिर एजिलियसस, फिर कॉन्ग्लोमेरेटिक. ओके, अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखना है ना तो बताता हूँ. कैलरियस, फिर कार्बोनियस, मतलब यहाँ पे कैल्शियम होगा, यहाँ पे कार्बन होगा. फिर मेटामॉर्फिक, उसमें आएगा कॉन्टैक्ट एंड रीजनल. इंडिविजुअल सॉइल के बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे.